आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, ये सांख्यिकी का प्रश्न है, आइए पढ़ लेते हैं। प्रश्न में क्या लिखा है, किसी वर्ग के 35 छात्रों के चिकित्सीय जांच में उनके भारों की निम्न प्रकार से अंकित किया गया है। तो 35 बच्चों का जो है भार मापा गया, 35 छात्रों का भार मापा गया और उनके भार इस प्रकार से अंकित किए गए। 38 से कम जो है 0 छात्रों का भार है, 40 किलोग्राम से कम जो है 3 छात्रों का भार है, 42 किलोग्राम से कम जो है 5 छात्रों का भार है, 44 किलोग्राम से कम जो है 9 छात्रों का भार है, 46 किलोग्राम से कम 14 छात्रों का भार है, 48 किलोग्राम से कम कुल 28 छात्रों का भार है और 50 किलोग्राम से कम कुल 32 छात्रों का भार है और 52 किलोग्राम से कम पूरे 35 छात्रों का जो भार है 52 किलोग्राम से कम है। दिए गए आंकड़ों के लिए से कम प्रकार का तोरण खींचे, इन आलेख से माध्य ज्ञात करें। तो हमें इसके लिए एक तोरण खींचना और इस आलेख से जो है हमें माध्य ज्ञात करना। तो हमें इसका एक आलेख खींचना और उसका माध्यक भार निकालना है उस आलेख से। तो ये जो हमारे पास 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 जो दे रखे हैं, ये जो है वर्गों की ऊपरी सीमा है। तो ये हम x अक्ष पे लेंगे। तो हम x अक्ष पे जो है वर्गों की ऊपरी सीमा ले लेंगे 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। और जो हमारे पास छात्रों की जो संख्या है वो हम y अक्ष पे लेंगे। तो हमने ये जो है y अक्ष पे जो है 5 का पहाड़ा ले लिया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो हम छात्रों की संख्या जो है y अक्ष पे अंकित करेंगे और जो ऊपरी वर्ग सीमा है x अक्ष पे अंकित करेंगे। तो अब जो 38 पर है, 38 से कम जो है 0 छात्रों की संख्या है, तो 38 पे हम 0 अंकित करेंगे। 40 से कम जो है 3 छात्रों का माप है, तो 3 जो है 5 से कम होगा, यहाँ पे होगा, तो इस रेखा के नीचे हम 3 अंकित करेंगे। 42 किलोग्राम से कम जो है 5 छात्रों का भार है, तो 42 पे जो है हम 5 अंकित करेंगे। 44 किलोग्राम से कम 9 छात्रों का भार है, तो 44 पर हम 9 अंकित करेंगे। 44 से एक सीधी रेखा खींचेंगे जो 9 तक जाएगी। 9 जो है 10 से इस रेखा से जो है कम होगा, तो यहाँ पे जो होगा 9 होगा। 40 किलोग्राम से कम 14 छात्रों का भार है, तो 40 पे जो है हम 14 अंकित करेंगे। तो यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे, 15 के नीचे होगा 14, तो यहाँ पे हम 14 अंकित करेंगे 15। 48 किलोग्राम से कम 28 बच्चों का भार है, तो 48 पे हम 28 अंकित करेंगे। 28 जो है 25 से थोड़ा ऊपर होगा और 30 से कम होगा, तो ये 30 से कम होगा थोड़ा, 48 पे हम 28 अंकित करें। 50 किलोग्राम से कम जो है 32 बच्चों का भार है, तो 32 जो है 30 से थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ पे होगा 32। 52 किलोग्राम से कम, सभी छात्रों का भार 52 किलोग्राम से कम है, 35 सारे 35 बच्चों का, तो 52 पे हम 35 अंकित करेंगे। अब इस आलेख को जोड़ लेंगे बिना स्केल के, इसे पेंसिल से जोड़ लेंगे। अब कुल छात्र हमारे पास 35 है।
तो एन बटा जो 2 हो जाएगा वो हो जाएगा 17.5। हमें पता है माध्यक जो है आंकड़ों की बीच की संख्या होती है, बीच का प्रेक्षण होता है, तो 17 35 का आधा 17.5 है। तो अब हम 17.5 जो है 15 से ऊपर होगा, तो 17.5 से हम एक रेखा खींचेंगे जो आलेख को एक बिंदु पे मिलेगा। ये रेखा जो होगी एक्स अक्ष के समांतर होगी। अब इस बिंदु से हम एक और रेखा खींचेंगे जो आलेख पर मिल रही है, जो एक्स अक्ष पे लंब होगी। एक रेखा खींच लेंगे जो एक्स अक्ष पे लंब होगी। तो ये जो रेखा जो लंब है एक्स अक्ष पे, ये हमारा जो 46 और 48 के बीच का बिंदु तो होता है 47, तो ये 47 से कम है जो यहाँ पे रेखा जो लंब मिल रहा है यहाँ पे, तो ये 47 और 46 के बीच में है कहीं। 46 और 47 के बीच में, तो 46 और 47 के बीच में हमारा 46.5 है और ये वाई अक्ष पे 70.5 है। तो एन हमारे पास था 35, तो 35 का आधा हमने लिया 17.5। तो हम 17.5 से एक समांतर रेखा खींचेंगे जो एक्स अक्ष के समांतर हो। जो ये रेखा जब जो आलेख पे मिलेगी उसी बिंदु से हम एक और रेखा खींचेंगे जो एक्स अक्ष पर लंब हो। तो ये लंब जो है जहां मिलेगा एक्स अक्ष पे, वो जो होगा हमारा माध्यक होगा। तो हमारा माध्यक जो है वो है 46.5। ये लंब जो है हमारा 46.5 में मिल रहा है, तो हमारा माध्यक जो है वो है 46.5। तो हमारा माध्यक है 46.5। धन्यवाद। कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।